हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ राइस फ्लोर की रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाए अपलोड होते ही। राइस फ्लोर की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप राइस फ्लोर यानी चावल की आटा, 1/3 कप मैदा और थोड़ा सा नमक। पहले एक मिक्सिंग बाउल में राइस फ्लोर और मैदा को एक साथ मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो गया। अब एक पैन में 1.5 कप पानी को थोड़ा नमक के साथ अच्छे से बॉईल कर लूँगी। पानी अच्छे से बॉईल हो गया। अब गैस का फ्लेम को लो कर दूंगी और इसमें एक साथ मिक्स किया हुआ राइस फ्लोर और मैदा को लो फ्लेम में धीरे धीरे डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसको ढक्कन लगा के लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लूंगी। 2 से 3 मिनट के बाद गैस का फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ढककर निकल के इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। अब तुरंत इसको एक स्मूथ डॉट बना लूंगी। आटा डॉट बनाने के समय अगर हाथ में ज़्यादा गर्म लगे तो बीच बीच में नॉर्मल पानी में हाथ भिगा सकते हो। अब आटा डॉट हो गया। अब आटा डॉट से छोटा छोटा बॉल बना लूंगी। अब सारे के सारे बॉल को हाथ से इसी तरह स्मूथ कर लूंगी। अब आटा डॉट में थोड़ा सूखा आटा स्प्रेड करके इसको हाथ से प्रेस करके थोड़ा फ्लैट कर लूंगी और इसके ऊपर थोड़ा और सूखा आटा डाल के इसको जेंटली इसी तरह रोटी बना लूंगी। रोटी का किनारा ज्यादा ठीक नहीं होना चाहिए। एक रोटी बेलना हो गया। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। अब सेम प्रोसेस में सारे के सारे रोटी बना लूंगी। सारे के सारे रोटी बेलना हो गया। अब एक पैन को गरम कर लूंगी। अब इस गरम पैन में केयरफुली रोटी को रख दूंगी। रोटी एक साइड होने के बाद दूसरे साइड में पलट देना है। एक रोटी हो गया। अब इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब सेम प्रोसेस में सारे के सारे रोटी को सेक लूंगी।
इसी तरह सारे के सारे रोटी को सेंक लिया। अब इसको सर्व करना है, चिकन करी, मटन करी, पनीर करी या जिसके साथ आपको खाना अच्छा लगेगा। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाए अपलोड होते ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।